रेजिडेंट ऑफ लद्दाख सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा शोषण किया गया और आज यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए लद्दाख सर्टिफिकेट का वजूद ही नहीं है। तो क्यों लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को कंपलसरी नहीं करते हैं? क्यों आप सिस्टम को मजीद पेचीदा बना के मजीद कॉम्प्लिकेट करके हमारे जवानों को, बेरोजगार जवान जो पिछले 3 साल से रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं, इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अब ये सारी चीजें बंद कर दें। एक बात होम मिनिस्ट्री से कहना चाहता, एक बात यूटी गवर्नमेंट से कहना चाहता। यूटी गवर्नमेंट अब लद्दाखियों का ज्यादा इम्तिहान लेना बंद कर दे। होम मिनिस्ट्री लद्दाखियों का ज्यादा इम्तिहान लेना बंद कर दे। हमारे पढ़े लिखे जवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। यूटी के ये नाम निहाद ढकोसले बंद कर दे। ये नाम निहाद दावे, ये नाम निहाद ढकोसले खूबसूरत पैराए में लपेटे हुए लॉलीपॉप्स देना बंद कर दे। हमारे जवानों को अगर नौकरी देना चाहते हैं तो इनके इज्जत नफ्स के साथ मत खेले। SSC के नाम पे हमारी जवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद कर दे। यूनिवर्सिटी में फीस एनहेंसमेंट के नाम पे आला तालीम के रास्ते से आला तालीम के मनाजिल से हमारे जवानों को महरूम करना बंद कर दे। आपके फंड्स के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, डिमांड ड्राफ्ट के नाम पे मेडिकल सीट्स इतनी एनहेंसमेंट करके एक आम गरीब खानदान से 30-30 लाख 50-50 लाख रुपया लेने के ये बातें बंद कर दे। पुलिस में जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, इस पुलिस रिक्रूटमेंट में इनाम निहात फॉर्मेलिटीज करके जवानों को इससे महरूम रखना बंद कर दे। बहुत बड़े बुलंद बांग दावे के साथ उस वक्त हमें वादा दिलाया गया था जब KDA और एपेक्स बॉडी की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी MS होम से, कहा था आज के बाद लद्दाख में जितने भी रिक्रूटमेंट होगी वो लद्दाखियों के लिए होगा। ये SSC के नाम पे नए फौज हमारे जवानों पे क्यों लादा जा रहा है? और मुझे उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली होम मिनिस्ट्री, लद्दाखी जवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद कर देंगे और लद्दाख में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सारे यूनिवर्सिटीज में यदि नाम निहाद है, इन नाम निहाद यूनिवर्सिटियों में भी आला तालीम के फीस को ऑल ऑफ ए सडन दुगना करके हमारे बच्चों को आला तालीम से महरूम रखना बंद कर दे। और जो कुछ पुलिस में रिक्रूटमेंट होने जा रही है, ये रिक्रूटमेंट उस वक्त करें जब हमारे सारे बच्चे, लद्दाख के बच्चे लद्दाख में हो। और ये पुलिस हो, आपके जितने भी जॉब्स लद्दाख के लिए हो वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व करके रखे। और मेडिकल्स की जो सीट है जिसमें आप में MBBS के लिए, फिर इसके बाद PG कोर्स के लिए, स्पेशलाइज कोर्स के लिए मजीद कॉम्प्लिकेशंस की है, और यहां से आप यह दावा कर रहे हैं कि लद्दाख में कोई भी डॉक्टर बाहर से आना नहीं चाहता,
अगर आना नहीं चाहता है, सर्विस करना नहीं चाहता है, तो लद्दाखियों के लिए सर्विस के सहूलियात को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? स्पेशलाइजेशन के लिए सहूलियात दे दे, फैसिलिटीज दे दे, इंसेंटिव दे दे, हमारे बच्चों के सीट को बढ़ा दे, फिर देखें ये लद्दाखी किस तरीके से अपने लद्दाख में सर्विस दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है यूटी गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री लद्दाख के इन बच्चों के कंसर्न्स को लेकर, यूथ के कंसर्न्स को लेकर, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को लेकर, आने वाले नस्लों के कंसर्न्स को लेकर, जिनमें इनकी नौकरी है, जिनमें जमीन है, जिनमें इनका कल्चर है, इनकी सकाफत है, इनका अपना आवास है, इनके अपने लिए कानून साजी का हक है। मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आप ज्वाइंट कमेटी के मीटिंग को भी बुला के लद्दाखियों को एतमाद में लेंगे, इससे पहले कि लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक और जो पॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया के लोगों को अपने कदम आप उठाने पे मजबूर कर दे, इससे पहले कि लद्दाखी सड़क पे आए, इससे पहले कि लद्दाखियों को अपनी आवाज अपने गले में दबता हुआ महसूस हो, इससे पहले कि लद्दाखियों के सर से पानी उलझा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।